कोरोना से भयानक होते हालात और हाईकोर्ट द्वारा कई बार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश मिलने के बाद यूपी सरकार ने लॉकडाउन 2 दिनों के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 6 मई मतलब कि गुरुवार सुबह 7 बजे तक यहाँ लॉकडाउन लगा रहेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इसके पहले शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था, जो 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक में दिए हैं। जी हां, इसी के साथ आपको बताते चले कि 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और आज 3 मई को 2 दिनों के लिए ये लॉकडाउन और बढ़ा दिया है, जो दिखाता है कि यूपी में हालात कितने मुश्किल होते चले जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए 2 दिनों के लॉकडाउन को नाकाफी बताते हुए कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है। साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू की गई है, पर संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए ये निरर्थक ही लग रहा है, ये उपाय नाकाफी प्रतीत होते हैं। हाईकोर्ट ने लंबे लॉकडाउन को प्रदेश के लिए ज़रूरी बताया। सरकार का यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश की निगाह से ही देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार 1,000 जुर्माना लिया जाएगा, दूसरी बार 10 गुना ज़्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।